हेलो गाइस, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब उस एग्जांपल में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है, ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी निकालना है। तो देखो आपको ये सम आता है या नहीं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने तीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ किए हुए, ए बी एंड सी। ए के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, बी के ऊपर है 2q एंड सी के ऊपर है 3q। अब ये तीनों तीन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स है, मेटल स्फीयर्स है। और यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिख रहे हैं P1, P2, P3, P4। P1 R1 डिस्टेंस है, P2 R2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, P3 R3 और P4 R4 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब पॉइंट P1 पे, P2 पे, P3 पे, P4 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मुझे चाहिए। अब ये मुझे निकालना है, कैसे करोगे? तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी निकालो। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से करो, मतलब जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है, उसके कुछ रूल्स अपन ने देखे हुए हैं, फिर उसके बाद गॉस लॉ तो हम लोग ने पढ़ा ही है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो भी अपने को पता है। इन सारे रूल्स को लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आप निकालो। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। पहले, अब पहले तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू। अब इसके आउटर रीजन पे, राइट, इनर रीजन पे तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है क्यू। तो मुझे बताओ ये जो बी स्फीयर है, इस बी स्फीयर के अंदर वाले रीजन में कितना होना चाहिए, माइनस क्यू। अब गॉस लॉ से बता सकते हो, मैंने बोला था ना क्यू से फ्लक्स निकलेगा, उसको लेने के लिए कौन रहेगा, माइनस क्यू। अब यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इधर इस माइनस क्यू का जो प्लस क्यू है बाहर आएगा। अब यहाँ पे 2q पहले से ही है, तो इधर कितना आएगा, 3q, राइट। देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू माइनस क्यू 3q। अब मैंने बोला था 3q से जो फ्लक्स निकलेगा वो बेसिकली लेने वाला कौन रहेगा, माइनस 3q। अब माइनस 3q अंदर आएगा, अब यहाँ पे माइनस 3q होगा अंदर, तो बाहर कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है इस पे, 3q है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6q। 3q इसके वजह से, और 3q पहले से ही है। अभी अब आप देखोगे तो स्फीयर्स पे चार्ज कितने हो गए, क्यू माइनस क्यू 3q माइनस 3q 6q। अब ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेशन से किया, आप इसको गॉस लॉ से भी कर सकते हो। मतलब आप एक गॉसियन सरफेस ले लो इसके जस्ट अंदर, तो आप देखोगे नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, तो क्यू माइनस क्यू 0। इसके अंदर ले लो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0, क्यू माइनस क्यू 3q माइनस 3q 0 हो गया। तो बेसिकली आप गॉस लॉ से भी यही चीज प्रूव कर सकते हो जो मैंने किया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका क्लियर है। अब यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 कितना रहेगा, P1 पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा भाई, हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर बनाया, तो आप देखोगे अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 कितना होना चाहिए, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 कितना रहेगा, अब P2 के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनाएंगे, ऐसा कोई स्फीयर बना देंगे। अब ऐसा सपोज स्फीयर मैंने बनाया, अब मुझे बताओ अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ क्यू ही है ना, सिर्फ क्यू है, तो आप वो सब इंटीग्रेट वगैरह कर लो, आंसर क्या आने वाला है, KQ/R2² यही तो आएगा, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, आपको पता है चार्ज बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। अब सिमिलरली P3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, ये वाला गॉसियन सरफेस आपने बनाया, तो कितना चार्ज आएगा टोटल अंदर, गिनो कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू। अब इसके अंदर अपने चार्ज गिना, तो चार्ज कितना आने वाला है, 3q माइनस क्यू क्यू, ऐड किया तो 3q आएगा ना भाई, 2q एंड क्यू ही तो चार्ज है अंदर, 2q प्लस क्यू 3q। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 कितना आएगा, K 3q डिवाइड बाय क्या, R 3 स्क्वेयर। ठीक है, ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P4 कितना होगा, इलेक्ट्रिक पॉइंट P4 के लिए बड़ा सा गॉसियन सरफेस बनाओगे स्फेरिकल, टोटल चार्ज कितना है, 3q 2q q कितना हुआ, 6q। तो बस K × 6q डिवाइड बाय R 4 स्क्वेयर। अब ये भी इजी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो इजी निकल गए। अब देखते हैं पोटेंशियल। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल्स एट पॉइंट P1 P2 P3 एंड P4। अब पोटेंशियल निकालने के लिए मैं डायग्राम को वापस बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हो।
क्योंकि इसी एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो मैं इस डायग्राम को वापस निकालता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी इन स्फीयर्स को वापस यहाँ पे ड्रॉ किया और उनके ऊपर के चार्जेस भी मैंने ड्रॉ किए, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हुआ था वो सब ड्रॉ कर दिया। अब पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा है, मुझे निकालना है पोटेंशियल एट लेट्स से पॉइंट पी वन, लेट्स से पॉइंट पी वन मेरा यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से आर वन। अब मुझे बताओ इस पी वन के ऊपर कितने सारे चार्जेस के वजह से पोटेंशियल आएगा, इस क्यू के वजह से आएगा, माइनस क्यू, थ्री क्यू, माइनस थ्री क्यू, सिक्स क्यू, सबके वजह से आएगा ना, लेकिन ये सारे चार्जेस क्या है, स्फेरिकल है। अब याद करो, अब एक क्विक कंसेप्ट में यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ, कोई एक स्फीयर होगा, आपको पता है स्फीयर के ऊपर सपोज चार्ज होता है क्यू, तो चार्ज के अंदर कोई भी पॉइंट पे, कोई भी डिस्टेंस पे हो, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, याद है ना आपको, के क्यू बाय क्या था, कैपिटल आर ही होता है ना, आपको याद होगा, तो के क्यू बाय कैपिटल आर होता है। और चार्ज के बाहर वही कोई भी पॉइंट रहेगा, जैसे चार्ज के बाहर यही पॉइंट है, जैसे स्मॉल आर पे, तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो बेसिकली स्फीयर के अंदर पॉइंट रहेगा तो के क्यू बाय कैपिटल आर, स्फीयर के बाहर पॉइंट रहेगा तो के क्यू बाय स्मॉल आर। तो बाहर के पॉइंट के लिए स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये इस क्वेश्चन में लगाना है। तो मुझे बताओ ये P1 पॉइंट पे मुझे सपोज पोटेंशियल चाहिए, VP1 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे कितने स्फीयर्स है, पांच स्फीयर्स है, ये है ना, एक दो तीन चार और पांच, सो बेसिकली देर आर फाइव स्फीयर्स। अब ये क्यू के वजह से, अब ये वाला जो स्फीयर है, मुझे बताओ इसके अंदर पॉइंट है या बाहर पॉइंट है, इस स्फीयर के भी अंदर है, सारे स्फीयर्स के क्या है, अंदर पॉइंट है। अब स्फीयर के अंदर पॉइंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, के क्यू डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहला क्यू जो है उसके वजह से क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय रेडियस कितना है, कैपिटल आर, राइट। अब दूसरा चार्ज माइनस क्यू, अब ये माइनस क्यू और थ्री क्यू आप लोगे, इन दोनों का रेडियस तो सेम ही है क्योंकि स्फीयर थीन है, तो मतलब टोटल चार्ज दे लूंगा ना मैं, कितना है टोटल चार्ज, 2q, 3q माइनस q कितना, 2q, तो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू टू क्यू डिवाइड बाय रेडियस कितना है, 2r, राइट, प्लस इसका कितना है बाहर वाले स्फीयर का, अब बाहर वाला स्फीयर देखेंगे तो माइनस 3q एंड 6q, कितना चार्ज बना, 3q, कितने डिस्टेंस पे है, 3r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू 3q डिवाइड बाय उसका रेडियस 3r। अभी हम लोग ने ऐड क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल का हम लोग सुपरपोजिशन करते हैं, तो हर एक चार्जेस के वजह से सेपरेटली इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे जो हम लोग ने निकाला, राइट। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया बेसिकली 3kq/r, ये हो गया मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन। अब सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू आप मुझे बताओ, अलग कलर में करता हूं मैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू बताओ क्या करेंगे, सपोज P2 पॉइंट कुछ इधर है, इसका डिस्टेंस कितना है, लेट्स से इसका डिस्टेंस मैंने लिया R2 दिख रहा है ना आपको, तो ठीक है R2 डिस्टेंस है, P2 पॉइंट लेकिन है कहाँ पे, अभी जो फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर के अंदर है, ठीक है। अब मुझे बताओ जो पहला स्फीयर है, पहला चार्ज जो Q यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके लिए तो ये पॉइंट बाहर है ना स्फीयर के, तो उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर या डिवाइड बाय स्मॉल आर टू, क्या होगा, क्या है यहाँ पे, बाहर होता है तो स्मॉल आर ना, तो स्मॉल आर टू क्योंकि ये बाहर है, प्लस अब ये थ्री क्यू माइनस क्यू, तो ये जो टू क्यू के लिए, ये टू क्यू जो चार्ज है उसके लिए पॉइंट कहाँ पे है, अंदर है स्फीयर के, राइट, तो उसके लिए क्या होगा, के टू क्यू डिवाइड बाय क्या, टू आर, ठीक है। सिमिलरली इस 3q चार्ज के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, k 3q डिवाइड बाय 3r, राइट, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा k q बाय r2 प्लस क्या होगा 2kq बाय r, ये मेरा आंसर है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट p2, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट p2।
P1, समझ में आया? चलो पोटेंशियल एट पॉइंट P3 अभी आप निकाल दो। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P3 निकालने के लिए लेट्स से P3 पॉइंट स्फीयर 2 एंड स्फीयर 3 इसके अंदर है कहीं, तो ये हो गया मेरा P3। अब P3 के लिए मुझे बताओ क्या करोगे? वापस सेम, हर एक चीज सेम करनी है अपने को। अब देखो ये Q और ये 2Q, इन दोनों के लिए ये P3 बाहर है, तो दोनों चार्ज मिलके कितने होंगे? 3Q। तो 3Q चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर है और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है? R3। तो क्या करेंगे? K 2Q एंड Q कितना हुआ? 3Q। तो K 3Q डिवाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस कितना? R3, ये होगा ना, प्लस बेसिकली ये जो बाहर का चार्ज है कितना? 3Q चार्ज, उसके लिए पॉइंट तो स्फीयर के अंदर है, तो वो कितना होगा? K 3Q डिवाइड बाय 3R। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 3K³/R3 प्लस K³/R। अब लास्ट का पॉइंट P4, लेट्स से पहला पॉइंट P4 इसके सबसे बाहर है। अब पॉइंट P4 सबसे बाहर है तो इस पॉइंट के लिए सारे के सारे चार्जेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे पॉइंट P4 सबके बाहर है, तो सारे चार्जेस बिहेव्स एज अ पॉइंट केप्ट एट द सेंटर। तो कितना टोटल चार्ज था यहाँ पे? टोटल चार्ज कितना था? 6Q था ना, तो बेसिकली यहाँ पे कितना रखा होगा चार्ज? 6Q। तो इसका डायरेक्टली आंसर मैं लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट P4 क्या होगा? K × टोटल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ये डिस्टेंस कितना है? R4। तो क्या होगा? K 6Q/R4। खत्म, बात हो गया ना आंसर। तो आ गया मेरा पोटेंशियल्स भी आ गए और मेरा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने किया। देखो ये मैंने बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो इस क्वेश्चन को आप रेफरेंस लेके बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालते हैं वो भी समझ में आया होगा। चलो अच्छी बात है।